मेरे प्रिय मित्र, साधारण मित्र तो जीते जी काम आते हैं, किंतु तुम जैसा प्रिय मित्र मरने के बाद की सुगंध भलाई की सुगंध भला मानुष दे रहा जीवन का महानुष्ठान पूर्ण हुआ, मेरे जीवन की साधना पूर्ण हुई। अब इस हवन कुंड से निकलते ही मैं उस आत्म तत्व पर अपना अधिकार कर लूंगा और उसके बाद ईश्वर का अंत होगा और भद्रकाल का उदय। उसके बाद पूरे संसार पर मेरा अधिकार होगा, भद्रकाल का अधिकार। हसो और हसो, स्वयं पर हसो। थे आत्म तत्व और आ गया है पेथर। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारी आत्मा को बांध दिया था। मन की कारे अहंकार के मारे भद्रकाल प्यारे, तूने बांधा था मेरी आत्मा को, पर तू भूल गया कि मैं हूं पुण्यात्मा। मेरे पुण्य कर्म मुझे देते हैं अधिकार के मृत्यु के बाद भी मैं लग जाऊं पार। इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, अब भी नहीं समझे क्रोधी काल। ये तुमने भूल की नहीं, तुमसे कराई है उस परमात्मा ने, जिसकी अनुमति के बिना गिरता नहीं एक भी पत्ता, ताकि तू जैसा पापी मैला ना कर सके उसकी पवित्र सत्ता। विष्णु को मत भूल, तू अब भी मेरी पहुंच के भीतर है। भूल रहा है तू पत्रकार, अब मैं कोई भला मानुष नहीं, ना प्रिय आत्मा हूं, ना तेरा आत्म तत्व हूं जिस पर तू अधिकार कर लेगा। अपनी इच्छा से मैंने चुना है मेरा ये जीवन, ताकि मैं बन सकूं तेरे मृत्यु का कारण। मृत्यु? मेरी मृत्यु? मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, क्या ये अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया? पंच तत्वों को जीतने वाला भद्रकाल हूं मैं।
अरे अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे डुबो नहीं सकता, अरे तू तो क्या संसार में कोई भी मुझे मार नहीं सकता। अमर हूँ मैं अमर हूँ। भद्रकाल, यदि तू मर नहीं सकता तो मैं तुझे जीवित रहने भी नहीं दूंगा। अपनी सभी संचित पुण्य शक्ति से ईश्वर प्रकृति और सभी पुण्यात्माओं को साक्षी मान सम्मान तुझे श्राप देता हूं। तू तब तक मृत प्राण पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और उषक नक्षत्र को एक साथ एक ही तीर से भेद न दे। और भद्रकाल, तुम जानते हो ये है असंभव। स्वयं देवता के लिए भी ये नहीं है संभव। परे हूं मैं, अरे भद्रकाल हूं मैं। तू काल से परे हो सकता है भद्रकाल, किंतु इस बेताल से नहीं। जिस आत्म तत्व पर तू करना चाह रहा था सर्वाधिकार देख, उसी के कारण हो रहा है तेरा आत्म विनाश। भद्रकाल, यही विष्णुगुप्त तुझसे हार गया और आज धर्म की जीत हुई है। अब कोई भी रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र को भेद नहीं पाएगा और तू कभी भी जीवन को नहीं पाएगा। अब तू यही रह पड़ा और बेताल उड़ चला। किंतु मेरे द्वारा दिए गए श्राप को तूने खंडित कर दिया। रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक तीर से भेद कर तूने भद्रकाल को श्राप मुक्त कर दिया। संसार के लिए अभिश्राप उस भद्रकाल को पुनः जीवित कर दिया। राजन, तूने किया। राजन, ये थी मेरी कथा, आत्मकथा। जो भी कुछ घटा वो सब मैंने तुझे बता दिया। मैं तुझसे अब कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। यदि तू मुझे भद्रकाल के पास ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। मैं तुझसे कुछ बोलने के लिए भी नहीं कहूंगा। बेताल, तुम्हारी कथा सत्य है असत्य इसका निर्णय तो भविष्य करेगा, किंतु जहां तक तुम्हें भद्रकाल के पास ले जाने का प्रश्न है तो भद्रकाल के पास हम तुम्हें अपने सामर्थ्य से लेकर जाएंगे, तुम्हारी इच्छा से नहीं। इसलिए आज हम स्वयं कहते हैं जाओ, लौट जाओ अपनी प्रेत घाटी में, अपने बेताल वृक्ष पर जाओ। ठीक है, तू बोला और मैं तक तुम हमसे प्रश्न करते रहे बेताल, किंतु अब हम प्रश्न करेंगे उस भद्रकाल से और देना होगा उन्हें उत्तर कि क्या ये सत्य है या असत्य। राजन, आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सन्यासी। ओ राजन, अति शीघ्र आ गए, आओ आओ। क्या हुआ राजन, बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हो? क्या इस सन्यासी से कोई भूल हो गई राजन? भूल अनजाने में होती है सन्यासी, किंतु आपने आपने जानबूझकर सत्य छुपाया है हमसे। छल किया आपने हमारे साथ। छल? मैंने तो केवल उपकार किया है तुम पर, तुम्हें जीवन दान देकर। तो क्या जीवन दान आपने इसलिए दिया था हमें कि आप हमारे साथ छल कर सकें? बहुत क्रोध में हो राजन, कहीं उस बेताल ने तुम्हें कोई कहानी तो नहीं सुनाई कि भद्रकाल संसार के लिए विनाशकारी है? वो काल को बांधना चाहता है और पंच तत्वों को उसने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है, और बेताल के आत्म तत्वों को वो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है, आदि आदि इत्यादि। बेताल की कथा से आप क्यों भयभीत हो रहे हैं सन्यास? डरता तो वो है जिसने कोई अपराध किया हो। बोलिए सन्यासी, क्या सत्य छुपाया है आपने हमसे? कौन है आप और क्या सत्य है आपका? राजन, उस बेताल ने तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी क्या सुना थी, तुमने तो उस पर तुरंत विश्वास कर लिया, और मैं जिसने तुम्हें जीवन दान दिया है, मुझ जैसे भोले सन्यासी पर तुम संदेह कर रहे हो? सन्यासी, ना तो हमें उस बेताल पर पूर्ण विश्वास है और ना ही आप पर। बेताल के सत्य का तो हम पता लगा ही लेंगे, किंतु अभी हमें आपका सत्य जानना है। बताइए सन्यासी, कौन छुपा आपके सन्यासी वेश के पीछे? बताइए, क्या सत्य बताने का सामर्थ्य नहीं है आपने? क्या इस सन्यासी वेश के पीछे एक डरपोक तुच्छ प्राणी छुपा हुआ है? आजान! लगता है तुम मेरा वास्तविक रूप जाने बिना मानोगे नहीं। काल और महाकाल से परे हूं मैं, भूत भविष्य वर्तमान हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। भद्रकाल, भद्रकाल, आप पर संदेह तो हमें सदा से था, किंतु आज आपका ये सत्य साक्षात देख लिया हमने, और आपका ये रूप इस संसार के हित के लिए तो कदापि नहीं है। राजन, शक्ति और सामर्थ के बिना इस संसार का हित नहीं हो सकता, ये बात तुमसे अच्छा और कौन समझ सकता है? जिस तरह तुम संसार की भलाई के लिए चक्रवर्ती सम्राट बने, उसी तरह मैं भी संसार के हित के लिए भद्रकाल बना। हम समझ गए भद्रकाल, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए हम कि बेताल के द्वारा आप इस संसार के किसी बहुत बड़े अहित की योजना बना रहे हैं, किंतु स्मरण रहे भद्रकाल, हम आपकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देंगे। ओ, क्या कर लोगे तुम राजन? यदि आवश्यकता हुई तो आपका अंत भी। ओ, मैं तो डर गया राजन। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, अपनी शक्ति पर। तो ठीक है, आज निर्णय हो ही जाए। विक्रम, आज तुझे भद्रकाल की शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। और आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के साहस का। पत्रकार, अपनी शक्तियों से आप साधारण मनुष्यों को डरा सकते हैं, हमें नहीं।
विक्रम, तुम एक साधारण मनुष्य हो और एक साधारण मनुष्य ही रहोगे। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि एक साधारण मनुष्य की ही उपलब्धियां है, और मैं भद्रकाल हूँ। काल और महाकाल से भी बढ़कर भद्रकाल हूँ मैं। आपको साधारण मनुष्य की शक्ति का आभास नहीं है सन्यासी। साधारण मनुष्य में देवों को परास्त करने का सामर्थ्य होता है। क्यों गए राजन? 1100 वर्षों पुराना बीता हुआ समय हूं मैं। वध कर दो मेरा। आपको अपनी शक्तियों को संसार के हित में लगाना चाहिए था सन्यासी। संसार के हित के बारे में सोचना चाहिए था, इसके विनाश के बारे में नहीं। किंतु आपने एक बार हमें जीवन दान दिया था, और आज हम आपको जीवन दान दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है सन्यासी कि हम अपना वचन पूरा नहीं करेंगे। अपना वचन हम अवश्य निभाएंगे, किंतु पहले ये बताना होगा कि बेताल के साथ आप क्या करने वाले हैं, आपका उद्देश्य क्या है। साधारण मनुष्य, अच्छा लगा तुम्हारा ये साहस देखकर। नहीं पता था मुझे कि सत्य के लिए तुम यहां तक जा सकते हो। सम्राट, आज आप पर कोई शिकार आ गए? विराट सिंह जी, हमने आपको कुछ पता लगाने के लिए कहा था, पता लगा? हाँ सम्राट, हमने उन अपराधियों के बारे में पता लगा लिया है जिन्होंने काल भैरव के अभिषेक पात्र में मदिरा मिलाई थी। वो इसी राजमहल के निवासी है, बाहर के नहीं। क्या कह रहे हैं विराट सिंह जी? हाँ सम्राट, यही सत्य है। इतना बड़ा षड्यंत्र इसी राजमहल में किया गया है। किसने किया षड्यंत्र? कौन है उज्जैन का शत्रु जिसने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पूरी उज्जैनी को संकट में डाल दिया? ले चले हम उसके पास। चल राजन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे दिए जीवन को मेरे ही विरुद्ध उपयोग करके अच्छा नहीं किया। प्रचंड काल सह विशाल अतियंध अधर्म च जीवन। जीवन कितना सुखद होता है जब स्वतंत्र होता है। चंचल अटखेलियां करता रहता है ये जीवन, किंतु जब ये जीवन ठहर जाता है तो ऐसा हो जाता है। जीवन जो कल तक था स्वतंत्र, अब हो गया है। विराट सिंह जी, क्या हुआ आपको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने स्थान से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं सम्राट? मैं हिल डुल तक नहीं पा रहा हूं सम्राट। महाराज, विराट सिंह जी को क्या हो गया? कालिदास जी देखिए। कालिदास जी,
महाराज, ये महल में क्या हो रहा है? ये सारे लोग पत्थर। आचार्य, ये सब वो पत्रकार कर रहा है। महारानी, महारानी का जीवन भी संकट में होगा। महारानी, महारानी, महाराज, महाराज, हम यहां है महाराज। महारानी,